ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 तमाम टीमों के पास सेमीफाइनल मैच में पहुंचने का रास्ता। कौन सी टीम किस तरह सेमीफाइनल मैच में पहुंच सकती है, नए पॉइंट टेबल क्या है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं नए पॉइंट टेबल के बारे में। तो नए पॉइंट टेबल में सुपर टर्नल के पहले ग्रुप में न्यूजीलैंड के 5, इंग्लैंड आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया के 3-3, जबकि अफगानिस्तान और श्रीलंका के 2-2 पॉइंट हैं। जबकि सुपर टूर्नामेंट के दूसरे ग्रुप में इंडिया के 4, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के 3-3, बांग्लादेश के 2, पाकिस्तान और नीदरलैंड के 0 पॉइंट हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी टीम किस तरह सेमीफाइनल मैच में पहुंच सकती है, तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सिर्फ इंग्लैंड और आयरलैंड में से किसी एक के खिलाफ एक मैच भी जीतकर सेमीफाइनल मैच में पहुंच सकती है। जबकि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 2 मैचेस बाकी हैं और दोनों मैचेस न्यूजीलैंड और श्रीलंका से है। दोनों मैचेस इंग्लैंड को जीतना पड़ेंगे। जबकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के भी आखिरी 2 मैचेस जीतना पड़ेंगे जो कि आयरलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ हैं। जबकि आयरलैंड क्रिकेट टीम को अपने आखिरी 2 मैचेस जीतना पड़ेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से खेलने हैं। अगर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल मैच में पहुंचना चाहती है तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम सबसे पहले अपने आखिरी 2 मैचेस श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से जीते, उसके अलावा भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपने आखिरी 2 मैच हार जाए या आयरलैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एक एक मैच हार जाए, तब अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल मैच में पहुंच सकती है। जबकि श्रीलंका का भी यही हाल है कि अपने आखिरी 2 मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से जीत जाए, उस सूरत हाल में भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम या 2 मैच हार जाए या आयरलैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया अपने एक एक मैच हार जाए। अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप के पॉइंट टेबल के बारे में, तो इंडिया क्रिकेट टीम अपने 2 मैच जीतकर जो कि साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं, 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल मैच में पहुंच सकता है। जबकि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम भी 2 मैच जीतकर जो कि इंडिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ हैं, 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल मैच में पहुंच सकता है। जबकि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल मैच में पहुंच सकता है। जिम्बाब्वे के 3 मैच बांग्लादेश, नीदरलैंड और इंडिया से हैं। जबकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल मैच में पहुंचना है तो अपने आखिरी 3 मैच जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और इंडिया से जीतना पड़ेंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल मैच में पहुंचना है तो अपने आखिरी 3 मैच नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ जीतना पड़ेंगे। उस सूरत हाल में भी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जो कि 2 टीम हैं, उनको दोनों को अपने आखिरी 2 मैचेस हारना पड़ेंगे। इस सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच में पहुंच सकता है। जबकि नीदरलैंड क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल मैच में पहुंचना है तो अपने आखिरी 3 मैच जो कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे से हैं, वो जीतना पड़ेंगे। उस सूरत हाल में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम, ये 4 टीमें अपने आखिरी 2 मैचेस हार जाए, तब नीदरलैंड की टीम भी सेमीफाइनल मैच में पहुंच सकती है। आप किस 4 टीमों को सेमीफाइनल मैच में देखना चाहते हैं, कमेंट में उन टीम का नाम जरूर लिखिए।